आज की सभा के अध्यक्ष जी, विधायक, विधान मंडल दल नेता, राज्यपाल बालियान जी, आदरणीय समाजवादी पार्टी चरथावल विधायक पंकज मलिक जी, अनिल विधायक जी, सुबोध त्यागी जी, प्रमोद त्यागी जी और हमारी नव निर्वाचित चेयरमैन उमा त्यागी जी और हमारा सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकारों, बंधुओं, साथियों, आज भाई शांत रहो, भाई सुन लो, शांत से सुन लो। आज बड़ी खुशी का माहौल है, खुशी तो बहुत है पर खुशी के साथ साथ एक दुख भी है, इसके साथ साथ एक दुख भी है, खुशी बहुत है। दुख क्या है? इस सत्ता, जो सत्ता है, जो सरकार है, जो सरकार के नुमाइंदे, जो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, उन लोगों ने पहले दिन से ही तोड़फोड़ का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा, 10 मेंबर लेकर के वहां शपथ कराने का काम किया, ये लोग विकास चाहते हैं क्या? अगर ये विकास चाहते और जनता को भाईचारा में बांधना चाहते और एक साथ लाना चाहते तो शपथ इसी मंच से होनी चाहिए थी साथियों। और ये लोग आप लोगों के बीच में हमेशा नफरत फैलाने का काम करेंगे। समझना आपको है, आप लोगों को इस चुनाव में हर तरह से हराने का प्रयास किया गया। एक चुनाव चिन्ह रिक्शा देकर के आप लोगों को भ्रमित करके उसको वोट बांटने का काम कर करके आपको पराजित करना चाहते थे साथियों। आप लोग नहीं समझते, आप लोगों के साथ हमेशा अत्याचार होता है। मैं यहां के प्रशासन से पूछना चाहता हूं, यहां के शासन में बैठे लोग, यहां के मंत्री विधायक से पूछना चाहता हूं कि यही भाईचारा की मिसाल है? उस दिन यहां उमा त्यागी चुनाव जीत रही थी, एक घंटा पहले चुनाव जीत चुके थे और उसको हराने का तरह तरह से प्रयास करने की कोशिश यहां के सत्ता में बैठे लोग कर रहे थे, पता है आपको? तो साथियों, आप लोगों की ताकत थी, हम यहां बाहर बैठे हुए थे, प्रमोद त्यागी जी थे, हम थे, राज्यपाल बालियान विधायक जी थे। हमने कहा या तो घोषणा कर दो, नहीं क्षेत्र की जनता और आसपास के कस्बा के जितने सम्मानित लोग, बुजुर्ग, नौजवान साथी सब सड़क पर इंतजार कर रहे हैं। अगर एक इशारा कर दिया तो ये सब अंदर घुस आएंगे और सर्टिफिकेट हम लेकर के जाएंगे क्योंकि हम जीत रहे हैं। तो साथियों, उस दिन यहां के इंस्पेक्टर ने, यहां के कोतवाल ने एक इतिहास, काला इतिहास रचने का काम करने का प्रयास किया था। यहां पर आप लोगों पर लाठी चार्ज करने कल किया था। अगर हम सही अपने विवेक से काम न लेते तो यहां काला इतिहास रचा जाता। क्या इंस्पेक्टर बच जाता? नहीं बचे था, मैं कहना चाहता हूं। परंतु उस आदमी ने तो जो किया क्या, परंतु हमने अपना शांति का परिचय देते हुए, क्योंकि जीत हमारी थी, उसको ये गायब करना चाहते थे, डराना चाहते थे और उस साइड हमारा ध्यान बांटना चाहते थे। चलो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि वक्त और बहुत है साथियों, आगे की बात है।
लड़ाई हमारे साथ भी जारी है, लड़ाई आज भी जारी है, क्योंकि 10 मार्च साथ यहां तो लड़ाई तो रहेगी। आप तैयार हो लड़ने के लिए? नहीं बताइए। अगर आप तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका काम होगा, पानी भी मिलेगा, बंजर भूमि से कब्जा भी हटेगा, और जिसका कब्जा होगा उसका हम वैधानिक तरीके से उसका मकान वहां पर बनवाएंगे। और साथियों, आपके सबसे पहले सम्मान की बात आती है। काम 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सभी का होता है, किसी ने किसी तरीके से आप सब काम करा लेते हो, परंतु अगर आपके सम्मान को किसी ने ललकारने का काम किया तो सबसे आगे विनोद मलिक आपको दिखाई देगा। और साथियों, सरकार आप आपकी बन चुकी है भाई। आप नगर पंचायत में उमर जागी, ब्लॉक में विनोद मलिक, विधायक राजपाल बालियान, कौन बचा इस जिले में, कौन बचा? और बस 2024 में सफाया होगा नहीं होगा, हम वापस आते आइए, कहीं तक लड़ो, एक कहीं तक जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हम तो न्याय का पालन करने वाले लोग हैं, न्याय तरीके से लड़ेंगे। और जो समकान को ललकारेगा, फिर हम हर तरह से लड़ना जानते हैं, हर तरह से लड़ेंगे। साथियों, और ज्यादा ये कहूंगा, आज टाइम कम है, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय राष्ट्रीय लोकतंत्र, और जय हमारे क्षेत्र की जनता, युवा, धन्यवाद।